अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे FSC पार्ट 1 लेक्चर नंबर 3, लाइफ एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, के लाइफ क्या है और इनकी खसूसियात क्या क्या हैं। सबसे पहले लाइफ का हमें पता होना चाहिए कि लाइफ क्या है, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम उनकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे कि ये क्या क्या है। अगर हम देखें तो बायोलॉजी वर्ड है, बायोलॉजी जो बायोलॉजी के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम कहते हैं बायोलॉजिस्ट। और अगर हम देखें कि लाइफ के चंद क्वेश्चन हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ का क्या मतलब है, व्हाई देयर शुड बी द लाइफ, लाइफ हमें क्यों चाहिए, तो इसके लिए इनके आंस बायोलॉजिस्ट नहीं दे सकते, क्योंकि बायोलॉजिस्ट को आंस देने के लिए कोई प्रूव होना चाहिए, कोई एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, अपना जो ये इन आंसर, ये क्वेश्चन के आंसर वो क्या करते हैं, थियोलॉजियन और फिलोसोफर पर छोड़ देते हैं। थियोलॉजियंस क्या होते हैं, मजहबी स्कॉलर्स होते हैं, और फिलोसोफर क्या होते हैं, फिलोसोफर जिसको जो इनका हमें आंस बताते हैं। तो अगर हम सवाल करें, अगर अल्लाह ताला ने हमें किस मकसद के लिए पैदा किया है, तो अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इनके इन क्वेश्चन के आंस हमें बायोलॉजिस्ट नहीं दे सकते, इन क्वेश्चन के आंस हमें किसने बताए, थियोलॉजियंस ने बताए और फिलोसोफर ने बताए। अगर पूछा जाए कि कुछ थियोलॉजियंस और फिलोसोफर के नाम बयान करें, तो मैंने चंद एक के नेम लिखे हैं। थियोलॉजियंस हैं इसरार अहमद, रिफत हसन, शाह अहमद नूरानी। इसके अलावा कुछ फिलोसोफर के नेम हैं अलामा इकबाल, इरफान मोहम्मद, नईम अहमद। ये चंद फिलोसोफर और थियोलॉजियंस के नेम थे। अब पता ये चलता है कि इन क्वेश्चंस के आंसर है वो बायोलॉजिस्ट नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास कोई प्रूव नहीं होता। और इनके जवाब कौन देता है, हमें मजहबी स्कॉलर, जैसा कि हमारा इस्लाम है, हम इस्लाम के बारे में सारा इल्म हासिल करते हैं, और हमें दीन के बारे में हमें अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस के अंदर ये सारा बताया कि ये इन सवालों के जवाब क्या हैं। अब देखें फिर उनका क्या, बायोलॉजिस्ट का क्या काम क्या होता है, उनका काम ये होता है कि हम माइग्रेशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हम बोलते हैं, हमारे मसल वर्क करते हैं, ये सारा हमें कौन बताते हैं, ये हमें बायोलॉजिस्ट बताते हैं। फिर नेक्स्ट है लाइफ की डेफिनेशन, लाइफ इज अ सेट ऑफ करैक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिस्टिंग्विश कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ कहते हैं। नॉन लिविंग के अंदर डेड ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं। ये सारे हमें ये बायोलॉजिस्ट के बारे में, एथोलॉजियन के बारे में पता। अब हमें बायोलॉजिस्ट ने क्या बताया कि जो ज़िंदगी मुमकिन है उनकी कुछ खसूसियात भी होती है, जैसा कि सबसे पहले इनको हाईली ऑर्गेनाइज्ड या कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स क्या है, अगर आप एक सेल को देखें तो उसकी जितने भी, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अगर माइटोकांड्रिया है तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अगर जितने भी साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड के अंदर उनकी स्टडी करना शुरू कर दें तो वो फिर भी इसकी मुकम्मल स्टडी नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है वन और मोर सेल, कि ह्यूमन का सेल एक या एक से, ह्यूमन की बॉडी एक या एक से ज़्यादा सेल कर मिलके बनती है, इसी तरह इसके अंदर वन और मोर सेल होते हैं। आगे है जेनेटिक प्रोग्राम, जेनेटिक प्रोग्राम में क्या होता है, एक सेल कैसे होता है, सेल किसके अंदर होता है, एक जीन है, जीन क्या है उसके बारे में, डीएनए, डीएनए के बारे में। अब देखा जाए डीएनए कहाँ मौजूद होता है, क्रोमोसोम के अंदर। अब क्रोमोसोम किसके अंदर मौजूद होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो जीन क्या होता है, जीन एक
छोटे छोटे टुकड़े होते हैं किसके अंदर, डीएनए के अंदर। डीएनए जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए दैट हैज स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू मेक प्रोटीन, जो प्रोटीन बनाने के लिए जिसके पास मखसूस हदायत होती हैं डीएनए के ऊपर, उसको हम कहते हैं जीन, जो किसके अंदर आता है, जेनेटिक प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद होता है एक्वायर एंड यूज एनर्जी, के पहले ह्यूमन की अगर हम इसके अंदर मिसाल लें तो वो पहले उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो खुराक लेते हैं फिर उसको यूज़ करते हैं। कोई अभी हमने काम करना है, हमें किसकी ज़रूरत है, एनर्जी की। अगर हमने हासिल की होगी तो हम क्या उसको यूज़ कर सकते हैं, हमारे जितने भी ऑर्गन हैं वो अगर एनर्जी हासिल करेंगे तो वो क्या करेंगे, वर्क करना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन अगर इसकी मिसाल दें तो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, जैसा कि हम चलते फिरते हैं ये केमिकल रिएक्शन में आता है। इसके बाद अगर ये फिंगर है तो ये वर्क करती है, ये मसल हमारे वर्क करते हैं, तो ये इनके अंदर सारा का सारा केमिकल रिएक्शन, जैसा कि ये हाथ है या मसल है ये वर्क करते हैं, तो ये क्या, ये सारा रिस्पॉन्स सीधा हमारे ब्रेन को जाता है और वो उसको फिर कंट्रोल किया जाता है। फिर है ग्रो इनसाइड। ह्यूमन की बॉडी वक्त के साथ साथ ग्रोथ करती जाती है, जैसा कि देखा जाए इंसान जब पैदा होता है तो वो बहुत छोटा होता है, वक्त के साथ साथ उसकी ग्रोथ होती है, उसकी हाइट बढ़ती जाती है। पहले देखें 1 फीट के बाद 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, ग्रेजुअली वो 6 फीट तक पहुंच जाती है। होता क्या है, वक्त के साथ वो 6 फीट तक पहुंच गई, अब वो दोबारा 1 फीट या 2 फीट पे नहीं आएगी, क्योंकि जब इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, द इरिवर्सिबल प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रोथ, क्योंकि वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है, दोबारा इरिवर्सिबल प्रोसेस दोबारा वापस नहीं आता। आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, तो वो जब मुकम्मल हो जाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, दोबारा से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बन सकते। इसी तरह हमारी ग्रोथ होती है, उसमें क्या होता है, वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है, और जब इरिवर्सिबल रिएक्शन रुक जाता है तो वो दोबारा फिर वापस नहीं आ सकती। मतलब 1 फीट से 6 फीट तक जाना और 6 फीट से 1 फीट तक आना, ये नाम नासिब है। नेक्स्ट हमारे पास मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट। इसके अगर हम देखा जाए तो इन बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखना, क्या होता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, और बाहर का टेम्परेचर जितना मर्जी हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन ही रहता है। अगर फीवर हो जाए तो उसमें थोड़ी बहुत कमी होती रहती है टेम्परेचर की, वरना ये टेम्परेचर तब्दील नहीं होता। इस तरह प्रोड्यूस सिमिलर ऑफ स्प्रिंग। अगर हम देखें हर स्पीशीज अपने जैसे ही बच्चे पैदा करती है, यानी ऑफ स्प्रिंग पैदा करती है। अगर ह्यूमन की बात करें तो होमो सेपियंस है, तो वो अपने जैसे ही बच्चे पैदा करेंगी। अगर कोई और स्पीशीज लें वो अपने जैसे पैदा करेंगी। सिमिलर यानी एक जैसे ऑफ स्प्रिंग पैदा करना, वो किस में आता है, सिमिलर ऑफ स्प्रिंग। नेक्स्ट है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इन दर इन्वायरमेंट, अपने माहौल के अंदर रिस्पोंड करना स्टिमुलाई को, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है। जैसा कि मैं आपको मिसाल दूं कि अगर हम कहीं बाहर टेम्परेचर 50 है या 52 है तो हम उधर जाते हैं, तो हम इतनी देर उधर नहीं रह सकते। क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट के साथ वो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो हम फिर ढूंढते हैं कोई सायादार जगह को, ठीक है। इस तरह जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, 0 से नीचे बर्फ जमना शुरू हो जाती है, तो फिर भी हम क्या करते हैं, कोई गर्म जगह ढूंढते हैं, क्योंकि हमारे टेम्परेचर से वो बहुत कम लो हो गए, बहुत लो हो गया, इसलिए इनका आपस में हमारा जो इन्वायरमेंट के साथ रिस्पोंड होता है वो भी चेंज होता रहता है। ये अगर सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स एक किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होगी तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, अगर नहीं होगी तो वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर कोई क्वेश्चन आया तो वो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।
मानो से समझ आ जाए।